हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर को आपकी कमी खलती है या नहीं खलती है। जैसे आप अपने पार्टनर के बिना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अधूरा महसूस करते हो, उनकी कमी फील करते हो, तो क्या सेम हाल उनका भी ऐसा ही है? ये चीज़ें देखेंगे। साथ ही में ये भी देखेंगे कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है गाइस, जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग है। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए निवास और बताइए। गाइड कीजिए निवास और बताइए। गाइड कीजिए निवास और बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त में। गाइड कीजिए निवास और बताइए। जस्टिस, द वर्ल्ड, दो कार्ड्स खुल गए, चैरियट एंड द फूल। एक कार्ड और दीजिए निवास और बताइए। गाइड कीजिए निवास और बताइए। स्ट्रेंथ। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। चाहे आप ज्योग्राफिकली दूरियों पे रहते हो, चाहे आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर चाहे इस वक्त में आपके दिलों में दूरियां हैं, यानी कि आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो जो पहले महसूस कर पाते थे वो अब नहीं महसूस कर पाते, कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये चीज़ें अब आप इतनी आसानी से नहीं पता कर पाते हो, इतनी डिस्टेंस आपके दिलों में आ गई हैं। इस वक्त में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा न्याय की मांग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड जस्टिस आया है। इन्हें ये चीज़ें तो महसूस हो रही है कि आप लोगों के बीच में जो भी हुआ पास्ट में वो सही नहीं था, जो रिश्ते की एंडिंग हुई वो सही नहीं थी, ये चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं। उसमें जो भी रिजल्ट आया या जो भी डिसीज़न था ना, उसमें न्याय नहीं हुआ, ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें दूर रहकर आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है, आपकी कदर भी समझ में आ रही है, आप इनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते थे, ये सब चीज़ें इन्हें अच्छे से समझ में आ रही हैं। चैरियट का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये मूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं बढ़ना, और जो ये चीज़ें सही नहीं हुई हैं पास्ट में, या ये जैसा आप लोगों की एंडिंग हुई है रिश्ते की, वो वैसा नहीं चाहते थे ना, तो उस चीज़ पे ये काम करना चाहते हैं। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी जुटा रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। फूल का कार्ड मुझे बता रहा है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। जो भी सामने अब सिचुएशन आई है ना, उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। उस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इन 5 कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपके पार्टनर को आपकी कमी खल रही है, तभी इन्हें उस कमी के दौरान आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। आप इनकी लाइफ से चले गए, ये उस तरह की एंडिंग नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, ये चीज़ें भी इन्हें समझ में आ रही हैं। तो इन 5 कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो मैं कह सकती हूँ कि इन्हें आपकी कमी खल रही है। टैरो से और देखते हैं। गाइड कीजिए निवास और बताइए। गाइड कीजिए। गाइड कीजिए निवास और बताइए। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। गाइड कीजिए निवास और बताइए। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। 1, 2, 3, 4। देखिए गाइज, यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स।
आप एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को तो समझ ही गए होंगे गाइस। देखो ये बेसिकली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्याय जो ये हम बात कर रहे हैं न्याय की, ये बेसिकली आपको ही न्याय दिलाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं इस विषय पे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, शायद आप लोग मैरिड थे क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, या फिर आप मैरिज के प्रोसेस तक पहुंच चुके थे लेकिन चीज़ें ना सडनली ख़त्म हो गई, चीज़ें सडनली फुल स्टॉप लग गया, तभी यहाँ पे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी निर्णय लिया गया ना उसमें एक फेयर जजमेंट, एक फेयर जस्टिस नहीं था। ये इसी विषय में आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रेवल करके आना चाहते हैं, या आपके पास अपनी ये जो फील करते हैं ना वो चीज़ों का कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। इन्हें आपके साथ बिताए हुए पास्ट के सारे पल बहुत अच्छे से याद आ रहे हैं, कैसे आप हंसते थे, खेलते थे, बात करते थे, ये सब चीज़ें ना इन्हें याद आ रही हैं, यानी कि आपके साथ बिताए हुए जो भी अच्छे पल थे ना वो इन्हें याद आ रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि इन्हें इन चीज़ों पर ना बहुत पछतावा भी हो रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त ये तो समझ गए हैं कि जो भी चीज़ें हुई ना उसमें ये अकेले रह गए, ये परेशान रह गए, अकेले खड़े रह गए, और कहीं ना ये आपके साथ बिताए हुए पल जो थे ना, जो पास्ट के पल थे, उन्हें ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आपकी मेमोरीज़ का पीछा कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। आप लोगों के बीच में डेफिनेटली या तो आप कमिटेड थे या कमिटमेंट चाहते थे, वो कमिटमेंट का प्रोसेस ना रुक गया है, ये चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि शादी तक बात आते आते चीज़ें रुक गई हैं। यहाँ पे इर्द गिर्द कोई नहीं है, मंडप है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं है, यानी कि यहाँ तक बात आते आते चीज़ें आपकी रुक गई हैं, एकदम रिवर्स्ड में चली गई हैं, ये चीज़ें ये समझ रहे हैं और इन चीज़ों को ये अब न्याय दिलाना चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड थे, मैरिड थे अपने पर्सन से, तो डेफिनेटली ये चीज़ें समझ रहे हैं कि अब इस शादी में ना कोई बचा नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शादी बची है, नाम के लिए बची है, लेकिन वैसे फीलिंग्स वाइज अब कुछ नहीं बचा है, ये चीज़ें समझ रहे हैं, और इन चीज़ों के प्रति ये कैसे न्याय दिलाया जाए, ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, दबाड़ को क्लैरिफाई कीजिए, रिवर्स और बताइए, दबाड़ को क्लैरिफाई कीजिए, दबाड़ को क्लैरिफाई कीजिए, रिवर्स और बताइए, 1, 2, 3, 4, 10 of Pentacles, 6 of Wands, Ace of Swords and 7 of Cups। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है विद द 7 of Cups कार्ड, डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में आपको एज अ ऑप्शन रखा, चाहे वजह कोई भी हो, थर्ड पार्टी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज, बेसिकली इन्हें ये लगा कि इनके पास तो बहुत ऑप्शंस है, ये आपसे बहुत आसानी से दूर जा सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, इनका उस वक्त में आपसे अलग होने के बारे में ये सोचना था, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस ज़्यादा भा रहे थे, जो कि एक्चुअली में थे नहीं, लेकिन इन्हें दूर से इमेजिन करने पर दिख रहे थे। ओवरऑल बोलूँ तो डे ड्रीमिंग कर रहे थे, जो पास में था उन चीज़ों को ना देखने के बजाय जो चीज़ें नहीं थी उनकी प्रति ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन दूर जाकर इन्हें ये समझ में आ गया है आपसे कि आपके बिना कुछ भी नहीं है, ये जो ऑप्शंस देख रहे थे ये बेसिकली इसी की परछाइयां थी, यानी कि आपके साथ होने के बाद इन्हें ये सारे ऑप्शंस मिलते, लेकिन आपसे दूर होने के बाद ऑब्वियसली जब आप दूर हो गए तो ये सारी शेडो, ये सारी परछाइयां, सारे ऑप्शंस भी अपने आप में गायब हो गए, ये चीज़ें सोच रहे हैं, ये चीज़ें इन्हें ये महसूस कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल आपकी कमी महसूस कर रहे हैं जो आपके साथ रहकर इन्हें मिलती, ये सारे ऑप्शंस। अब ये बेसिकली एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि क्लियरिटी लेकर आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आपके साथ एक फैमिली में आना चाहते हैं, फैमिली बसाना चाहते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। एस ऑफ सोर्स का कार्ड कम्युनिकेशन को भी बताता है, तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि किस तरह से ये कहीं ना कहीं
इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इनका माइंड डाइवर्ट हो गया था, कैसे मतलब इनका दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था, ये उन सब चीज़ों के बारे में आपके सामने क्लियरिटी लेकर आना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अब आपका दिल जीतना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद से तोड़ दिया था, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल भी था कि क्या वो वापस आएंगे, तो देखिए गाइस इन तीनों कार्ड से तो यहाँ पर यही लग रहा है कि आपके पार्टनर आपका दिल जीतने के लिए वापस से आपकी लाइफ में आएंगे। आपसे जो भी इन्होंने गलत बिहेव करा, जो भी क्लियरिटी नहीं थी आप लोगों के बीच में, उनमें क्लियरिटी लेकर आएंगे और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टिंग करेंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, जिसमें आप वेल्थ वाइज स्ट्रांग हो, जिसमें आप फाइनेंशियली आपकी स्ट्रांग हो, आपकी फैमिली है, मतलब एक हैप्पी फैमिली जैसे होती है ना, उस तरह की फैमिली में ये आना चाहते हैं, उसके लिए आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इन्हें बेसिकली ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर न्याय नहीं हुआ था पास्ट में, उन चीज़ों के प्रति भी ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अलर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन लेकर आएंगे, या तो इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आएगा, या ये खुद से आएंगे, या इनकी तरफ से कोई और पर्सन कोई ऑफर लेकर आएगा, यहाँ पे ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट को बहुत बताते हैं कार्ड, जैसे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफर आने वाला है, कोई ना कोई जेस्चर आने वाला है, ये चीज़ें दिख रही हैं जो है आपके न्याय के लिए। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हमारे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बताइए चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। 1 2 3 4 एस ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड फिर से आया है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को गाइस आपकी कमी तो बहुत ज़्यादा खल रही है, ये चीज़ें तो द वर्ल्ड ने दो बार आकर क्लियर कर दी हैं। ये कार्ड बेसिकली ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को आपके दूर जाने के बाद आपकी कमी खल रही है। मुझे यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये तो क्लियर कर देता है कि आप लोगों के बीच में ना ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन मूड चल रहा है, एक साइकिल चल रही है, एक कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में चल रही है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन ये कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में आनी तय थी, निश्चित थी, ये चीज़ें मुझे द वर्ल्ड बता रहा है कि ये साइकिल आपकी लाइफ में आनी थी, और इस साइकिल का आपकी लाइफ में आना इसलिए था क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एज अ डिफ़ॉल्ट ले रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, आपकी कदर नहीं समझ रहे थे, आपको एज अ हल्के में ले रहे थे, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आपके पार्टनर को ये चीज़ें महसूस कराने के लिए, प्यार की कदर महसूस कराने के लिए उनकी लाइफ में ये मूमेंट आया है, ये साइकिल स्टार्ट हुई है। ठीक है, यानी कि ऊपर से ही आपका तय था, आपको अलग होना था और एक दूसरे के पास फिर से जुड़ना था, फिर से एक न्यू बिगनिंग होनी है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। सेपरेशन ब्रेकअप आपका चल रहा है, एक साइकिल अभी आपकी चल रही है, फाइनली ये कंप्लीट होते हुए भी दिखाई दे रही है क्योंकि अब आपके पार्टनर को आपकी कदर, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं और आपके साथ न्यू बिगनिंग कैसे करी जाए उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि देखिए गाइस आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पे कोई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि वो आपकी तरफ एक ऑफ़र कैसे लेकर बढ़े, कैसे आपको, आपके लिए ये क्या फील करते हैं वो चीज़ें आपको बताएं, ये चीज़ों के बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, काफ़ी लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, खुद से भी सोच रहे हैं और लोगों से भी गाइडेंस ले रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों के बीच में ये जो भी कार्मिक साइकिल है ये ख़त्म होने वाली है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस से आने की एक न्यू योजना बनाते हुए, एक न्यू स्ट्रेटजीज बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए गाइस द फूल का कार्ड भी बेसिकली न्यू बिगनिंग को ही बताता है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और अब जो कोई भी रिस्क आप लोगों के सामने आता है, कोई भी
सिचुएशन ख़राब आती है ना, ये उससे लड़ने के लिए भी तैयार हैं, उसे फेस करने के लिए भी तैयार हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। क्लैरिफाई और करते हैं, 2, 3, 4 सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। देखिए गाइस, आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पे कोई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, कोई बात, कोई सीक्रेट इनके दिल में है जो अभी किसी को नहीं पता है, कोई राज इनके दिल में है और वो राज बेसिकली है आपकी तरफ बढ़ने का, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है जो बता रहा है बेसिकली ये आपकी तरफ बढ़ने की कोई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, कि क्योंकि आपकी जो नेचर है ना, इनकी लाइफ में जो आपकी इम्पोर्टेंस है, जो आपकी कमी है, वो इन्हें खल रही है, इसीलिए आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए उन बारों में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। इनकी इंट्यूशन भी इन्हें बोल रही है कि ये किसी ना किसी तरह से ना आपकी तरफ बढ़ें, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, देखिए गाइस, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि शायद पास्ट में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थे, यानी कि ये आपको ना किसी के साथ देख नहीं सकते थे, किसी से बात करते हुए नहीं देख सकते थे, एकदम इस ताले में अंदर छुपाकर रखना चाहते हैं, उस तरह से इनकी नेचर थी, ये चीज़ें दिख रही हैं। और आपको ना हर तरह से गार्ड करके रखते थे, आप किसी से ना बात करो, किसी से ना बोलो, इसका मेन कारण था ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। आप जो इनके लिए महसूस करते हो वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए महसूस करो, किसी और के लिए नहीं, ये ऐसा चाहते थे पास्ट में, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन कुछ आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हुए कि इन्हें ऐसा फील हुआ कि जितना आप ये आपके लिए कर रहे हैं उतना आप इनके लिए नहीं कर रहे हो, या आप किसी और को भी अपनी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो इन कंपैरिजन ऑफ हिम और हर, इसी वजह से ना इन्होंने आपको अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करके दिखाई आपको, कि आपको समझ में आए कि भाई अगर ये आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। बेसिकली ये आपको ये दिखा रहे थे कि आप भी इनकी कदर समझो, आप भी इनकी इम्पोर्टेंस समझो, ये आपको ऐसा दिखा रहे थे। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे गाइस ये भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशंस बताते नहीं थे, जितना ये आपके लिए पॉजिटिव थे, जितना ये आपके लिए मतलब सोचते थे ना, इनसिक्योर रहते थे, उतना आपको बताते नहीं थे, इमोशंस वाइज बिल्कुल आपके सामने नहीं बताते थे, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखते थे, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। लेकिन अभी क्या है ना, इन्हें इन सीक्रेट्स को पीछे छोड़कर बेसिकली ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ें तो यहाँ पर तय हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर पता चल रही हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स बताइए किस चीज़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ले रहे हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स बताइए। 3, 4 प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड प्रिंस ऑफ सोर्ड। देखिए गाइस, पहली चीज़ तो आपके पार्टनर आपको बेतहाशा स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा खबर निकाल रहे हैं कि आप कहीं आगे बढ़ तो नहीं गए हो, आपने इनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, इन चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा खबर निकाल रहे हैं। ये बेसिकली ये पता लगाना चाहते हैं कि आप आज भी इनके लिए कोई फीलिंग्स रखते हो या नहीं रखते हो, क्योंकि ये पास्ट में भी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थे, आपको अपने से अलग नहीं करना चाहते थे, और आज भी इनके साथ यही है, इन्हें यही चीज़ें परेशान कर रही हैं कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, इनके लिए वही फीलिंग्स वही प्यार रखते हो या नहीं रखते हो, ये उन बातों को ज़्यादा पता लगाने के लिए आपको बेतहाशा स्पाई कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आने के लिए, एक गुड न्यूज़ की तरह आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक न्यू जर्नी, एक न्यू स्टार्टिंग करने के लिए, या आपकी
बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो देखिए गाइस, इन कार्ड्स के थ्रू तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपकी कमी भी महसूस कर रहे हैं, इन्हें आपकी कमी भी खल रही है, और साथ में ये आपकी तरफ बढ़ने की कोई स्ट्रेटजीज भी बना रहे हैं। चाहे किसी को आपके पास भेजें, कोई स्ट्रेटजीज जो इन्होंने ऑलरेडी बना ली है, अपना एक ऑफ़र लेकर उसके थ्रू ये आपके पास कोई ऑफ़र भेजे, या ये खुद से इनका कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आए, या ये खुद से आपकी तरफ बढ़े, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, एंजल्स के थ्रू देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए। बी असर्टिव, बिग हैप्पी चेंजेस, रोमांस। आपसे बोला जा रहा है बस आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में रोमांस यानी कि आपके पर्सन वापस से आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक हैप्पी चेंज आ रहा है जो आपको बहुत सारी खुशियां प्रोवाइड करेगा, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। रोमांस एंजल से देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। देखिए गाइज, आप लोगों का जो भी रिश्ता है ना, उसकी केमिस्ट्री यहाँ पे बोली जा रही है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप लोगों के बीच में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हो। अभी आप इतनी डिस्टेंस पे हो कि आप एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे के इतने करीब आ जाओगे कि आप वापस से एक अट्रैक्शन फील करने लगोगे। यानी कि जो दूरियां अभी आपके दरमियान आ गई हैं वो फाइनली कंप्लीट हो जाएंगी, आप लोग बहुत जल्द मिलने वाले हो, क्योंकि आप लोगों के बीच की जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, रोमांस एंजल्स से। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपसे बोला जा रहा है गाइस, देखो काफ़ी लोगों ने इस वक्त पे ना अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रखा है, अपने दिल को ब्लॉक कर रखा है। किसी के लिए जो फीलिंग्स रखते हो ना आप, वो चीज़ें अब आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो किसी पॉइंट पर ठीक भी हैं, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि आप ना उसे थोड़ा खोलो, उसे मतलब आप तभी प्यार दूसरे से रिसीव कर पाओगे, तभी दूसरे को प्यार वाली वाइब्रेशंस भेज पाओगे, जब आप अपने टूटे हुए दिल को हील कर पाओगे, टूटे हुए दिल को जब आप जोड़ पाओगे और अपनी वाइब्रेशंस दूसरे तक पहुंचा पाओगे। तो आपसे बोला जा रहा है अपने हार्ट को ना आपको खोलना है यहाँ पे, प्यार पाने के लिए और प्यार देने के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपके पार्टनर आपके पास कब तक आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया, बहुत सारे एक्शंस के कार्ड आए हैं कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन कब तक, ये चीज़ें देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, मेरे व्यूअर्स के पास हम कब तक इनके पास आ रहे हैं, गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड गाइस फिर से आया है यहाँ पे, देखिए द व्हील एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। एक कार्ड और देखते हैं, जो भी है आपकी ये कार्मिक साइकिल चल रही है, बहुत सारे कार्ड्स हैं, वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है। द स्टार, वेरी नाइस। स्टार का कार्ड यस का कार्ड होता है गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, इस चीज़ की तो यहाँ पे श्योरिटी हो गई है। बात आती है समय की, तो मुझे गाइस देखो काफ़ी लोगों का 10 days लग रहा है और काफ़ी लोगों का 17 days लग रहा है। 10 to 17 days के अंदर अंदर आपके पार्टनर की तरफ से या तो कोई कॉल आएगा, या वो खुद से आएंगे, या उनकी तरफ से कोई आपके पास एक ऑफ़र लेकर आएगा, या फिर आपके पार्टनर का आपको कोई ना कोई जेस्चर मिलेगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि हाँ ये मेरे लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, ये मेरे लिए आज भी प्यार रखते हैं, और ये आज भी मेरे पास ही वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मेरी कमी खल रही है, इन्हें मेरी इम्पॉर्टेंस समझ में आ रही है इसीलिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 10 to 17 days लग रहा है।
तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हो, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके टाटा बाय बाय।